देखिए आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक जितने भी परिपथ है उसमें हम लॉजिक गेट जिसको हम हिंदी में कहते हैं तर्क द्वार इसका प्रयोग करते हैं। तो लॉजिक गेट या तर्क द्वार क्या है? लॉजिक गेट या तर्क द्वार वह द्वार है जिसमें निवेशी चर और निर्गत चर के बीच संबंध को स्पष्ट किया जाता है। मतलब जो निवेशी चर और निर्गत चर के संबंध को स्पष्ट करे उसको लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट में पहला जो प्रकार है वो है आर गेट, दूसरा होता है एंड गेट और तीसरा होता है नॉट गेट। इस तीनों को हम कहते हैं मूल लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट क्या है? जो निवेशी चर और निर्गत चर के बीच तर्क संबंध को स्पष्ट करता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट में तीन होते हैं आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है उसमें इन गेटों का प्रयोग करते हैं। ये तीनों के तीनों आपके जो है मूल गेट है, मूल लॉजिक गेट। और इन तीनों को मिलाकर जो हम नया लॉजिक गेट बनाएंगे उसको कहते हैं सार्वत्रिक लॉजिक गेट। वो आगे पढ़ाएंगे। मूल लॉजिक गेट में पहला आप लोगों को पढ़ना आर गेट। आर गेट क्या है? वह लॉजिक गेट जिसमें दो निवेशी चरों ए और बी, जिसमें दो निवेशी चरों ए और बी के संयोग से एक निर्गत चर का निर्माण किया जाए उसको हम कहते हैं आर गेट। आर गेट में दो निवेशी चर ए और बी होगा। इसको इस प्रकार से हम मिलाएंगे कि एक निर्गत चर वाई मिले तो वह कहलाएगा आर गेट, जिसमें आपको एग्जामिनेशन में देखिए एक गेट जरूर आएगा। जैसे आर गेट का एग्जामिनेशन में तो क्या पूछेगा, आर गेट किसे कहते हैं, इसका बूलियन व्यंजक, लॉजिक प्रतीक और सत्यता सारणी स्पष्ट कीजिए। नाम लेके पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक जरूर आएगा। आर गेट को परिभाषित कीजिए, इसका बूलियन व्यंजक, लॉजिक प्रतीक और सत्यता सारणी स्पष्ट कीजिए। तो आर गेट क्या है? आर गेट वह गेट है जिसमें दो निवेशी चरों ए और बी को संयोग से एक निर्गत चर वाई प्राप्त करते हैं उसे आर गेट कहेंगे। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है? ए आर बी इक्वल वाई। देखिए इसको हम पढ़ेंगे ए आर ओआर, क्योंकि आर गेट ए आर बी इक्वल वाई। तो इसको हम पढ़ेंगे ए और बी इक्वल वाई, जिसका लॉजिक ये प्रतीक है। तो इस तरह का कहीं भी अगर सिगमेंट बना हुआ है इस तरह से कर्व नुमा तो वो लॉजिक गेट में कौन सा लॉजिक गेट है आर। कैसे पढ़ेंगे इसको? ए आर बी, आर का मतलब प्लस से, ठीक है, ए आर बी इक्वल वाई। तो कोई भी लॉजिक गेट है इसमें बाइनरी संख्या किसका प्रयोग करेंगे? जीरो और एक को। अब इलेक्ट्रॉनिक स्विच है तो स्विच में दो चीज होता है ऑन और ऑफ। तो ऑन शो करेगा वन को और ऑफ शो करेगा जीरो को। अब इसकी सत्यता सारणी देखिए, इस लॉजिक गेट में क्या है? इस लॉजिक गेट में दो निवेशी चर ए और बी। तो देखिए हमने जो स्विच लगा दिया ए और बी, अब जैसे ए स्विच खुला है तो खुला है तो बल्ब क्या है? बंद रहेगा। जब स्विच को आप दबाओगे तो परिपथ क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बंद होगा तो तुरंत बल्ब जल जाएगा। अब इसमें ये एक है निवेशी और ये दूसरा निवेशी है। अब इसको हम परिभाषित करने के लिए हमने क्या कर दिया? निर्गत लगा दिया वाई, जो बल्ब को रिप्रेजेंट करेगा। अगर बल्ब जलेगा, प्रकाश देगा, तो वाई का मान एक, और बल्ब अगर बुझा रहेगा तो वाई का मान जीरो। ध्यान देना, अगर बल्ब प्रकाश देगा तो y का मान एक होगा, तो y का मान जब भी एक आएगा कहोगे बल्ब जल जाएगा, और y का मान जीरो है तो बल्ब बुझा रहेगा। अब सत्यता सारणी में देखिए इसका, सत्यता सारणी में जैसे हमने करंट को फ्लो कराया, इसका मतलब स्विच को ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे, बंद और चालू करेंगे। अब a का मान जीरो, जीरो का मतलब स्विच a खुला है, खुला है तो तार टच करेगा नहीं। देखिए ध्यान से इसको, जैसे ये स्विच में होता क्या है, इस तरह का कनेक्शन है, जैसे आप ऊपर वाले बटन को दबाते हो ये तार टच कर गया यानी परिपथ बंद हो गया, तो सर्किट में करंट दौड़ जाएगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, यानी आपका जो हो गया ए का मान जीरो बी का मान जीरो, यानी दोनों स्विच खुले हैं। तो ए का मान जीरो बी का मान जीरो, तो जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो वाई का मान क्या आएगा? जीरो। A का मान जीरो, B का मान जीरो, तो Y का मान जीरो, यानी बल्ब बुझा रहेगा,
y जीरो बल्ब बुझेगा, y का मान एक बल्ब जल जाएगा। अब यहाँ देखिए a का मान जीरो यानी स्विच a खुला है, b का मान एक है स्विच b बंद है, तो अब जीरो में एक को जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा एक। अब एक आ गया इसका मतलब बल्ब जलेगा, प्रकाश देगा। तीसरी वैल्यू देखिए a का मान एक है यानी स्विच a जो है बंद हो गया, b का मान जीरो है स्विच b क्या है खुला है, तो एक में जीरो जोड़ेंगे तो मान एक आएगा यानी बल्ब जो है प्रकाश देगा यानी जलेगा। यहाँ a का मान एक है b का मान एक है यानी दोनों स्विच बंद है, तो एक धन एक बुलियन में इसका मान एक होता है, ठीक है, एक धन एक इसका मान एक होगा यानी बल्ब क्या होगा प्रकाश देगा। तो इसमें चार कंडीशन है, पहले कंडीशन में क्या लिखोगे, जब स्विच ए खुला है स्विच बी खुला है तो बल्ब क्या होगा बुझा रहेगा, स्विच ए खुला है स्विच बी बंद है तो बल्ब जलेगा यानी वाई का मान एक आ गया, स्विच ए बंद है स्विच बी खुला है तो वाई का मान एक है बल्ब जलेगा। वाई का मान ए का मान एक है इसका मतलब स्विच ए बंद है स्विच बी भी बंद है तो वाई का मान एक है यानी बल्ब क्या है जलेगा। तो यानी आर गेट में जो बल्ब है तीन तरह से जलेगा, ये देखिए ये तीनों प्रकार से बल्ब क्या होगा जलेगा, बल्ब जलेगा और केवल एक प्रकार से क्या है बल्ब बुझा रहेगा, ये आपका बुझा रहेगा, ये ध्यान देखिए। तो आर गेट में केवल एक कंडीशन ऐसी है पहली जिसमें बल्ब बुझा रहेगा, बाकी तीनों कंडीशन में देखिए वाई का मान एक आ रहा है इसका मतलब बल्ब जलेगा। तो आप लोग इसको नोट करेंगे, लॉजिक गेट में पहला गेट हम पढ़ाया आप लोगों को आर गेट, दिमाग में बैठा लीजिएगा आर गेट की परिभाषा, आर गेट किसे कहते हैं पहले इसको क्लियर करना है, मतलब आर गेट क्या है, आर गेट वह गेट है जो दो निवेशी चरों ए और बी के संयोग से एक निर्गत चर वाई बनाता है। कैसे बनाता है, ए प्लस बी इक्वल वाई, तो ए प्लस बी इक्वल वाई इसको क्या पढ़ेंगे ए आर बी, प्लस का मतलब आर से, ए आर बी इक्वल वाई, ये इसका बुलियन व्यंजक है, ये इसका लॉजिक प्रतीक है और ये इसकी सत्यता सारणी, नोट कर लीजिए।